लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। ऐसे में संथाल परगना के तीनों सीट यानी कि राजमहल, दुमका और गोड्डा लोकसभा उम्मीदवार के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुमका में चुनावी सभा को संबोधित किया। बता दें कि बीते दिनों दुमका के हवाई अड्डा मैदान में आयोजित हुई इस सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार एक गंभीर विषय है, सरकार में शामिल लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे में देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन पर 4 जून के बाद कार्रवाई तेज की जाएगी। मोदी के इस बयान के बाद झारखंड कांग्रेस ने भी जमकर पलटवार किया। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि 6 चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद पीएम को यह एहसास हो गया है कि केंद्र में अब उनकी सरकार नहीं बनने वाली है, इसलिए वह आलाप ले रहे हैं कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। इसके साथ ही राजेश ठाकुर ने यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा के खाते में सैकड़ों करोड़ों रुपए जमा हुए हैं। यह पैसा ऐसे ऐसे कंपनियां द्वारा दिया गया है जो घोटाले किए हैं। इसके अलावा कई कंपनियां ऐसी हैं जो चंदा दिया है और उनसे धंधा लिया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि 4 जून के बाद मोदी की सत्ता जाने के बाद उनकी मंशा को इंडिया गठबंधन की सरकार अवश्य पूरा करेगी। उनके शासनकाल में जितने भी घोटाले हुए हैं सभी के आरोपी सलाहकों के पीछे होंगे। बहरहाल पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई में किसकी जीत होगी ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा। इंतजार है 4 जून का। सवाल ये है कि जनता किसे चुनती है, क्या होंगे मोदी के 400 पार या फिर पूरी होगी राहुल की गारंटी। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव।